टोटल प्रॉफिट अभी अपना इतना हो चुका है। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज मौसम बहुत ही बेईमान है, मतलब कि बारिश हो रही है। जैसे ही मैं उठा, आज थोड़ा सा लेट उठा हूँ क्योंकि रात को मुझे अपना व्लॉग अपलोड करना था, जिसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, जिसकी वजह से मैं रात को काफ़ी देर से सोया। और अभी 9:05 हो रहे हैं, मार्केट ओपन होने वाला है, तो अभी अभी मैं उठा हूँ जस्ट रेडी होके और बस व्लॉग शूट करने आ गया। अभी बारिश हो रही है बाहर, पता नहीं कब से हो रही है बारिश, ये तो मुझे पता नहीं, पर मैंने उठ के देखा तो अभी मौसम काफ़ी बादल हो रहे हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है। और अभी बच्चे भी सारे सोए हुए हैं यहाँ पे, मैं अभी दिखाता हूँ, शायद ये वाली तो उठ गई हमारी आफिया बड़ी वाली। हाँ बच्चे, तो एक बच्ची तो झूले में लेटी है आराम से, उठ गई है पर आराम से लेटी हुई है, झूले ले रही है इसमें लेट के, और दूसरी वाली ये सो रही है और ईशान भी लेटा है वहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा होके। तो अभी अभी सभी देर से उठ रहे हैं आज। और अभी मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो 9:10 हो चुके हैं। चलते हैं अपने ऑफिस के अंदर और अपना सेटअप मैंने वैसे तो ऑन करके रख दिया था, तो देखते हैं अभी मार्केट में क्या उथल पुथल मचने वाला है। तो गाइज, मार्केट खुलने वाला है आज गैप अप, जो कि 52 पॉइंट गैप अप खुलने वाला है। और देखते हैं ये जो रेजिस्टेंस था इसका, जो कि कल ब्रेक नहीं कर पाया था मार्केट, आज उसके ऊपर ओपन हो रहा है। तो मार्केट ओपन होते ही अगर थोड़ा सा नीचे आता है और ये जो रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट का काम करेगा, यहीं से एक बाउंस बैक देखने मिलेगा, तो एक बुलिश ट्रेड बन सकता है आज के दिन। तो दोस्तों, मार्केट ओपन होते ही जो मुझे स्कैल्प करने की आदत है तो मैंने वही स्कैल्प किया। प्रॉफिट इसमें 23,000 तक गया था लेकिन बुक नहीं कर पाया। सुबह मार्केट में ज़्यादा वॉलीटाइल रहता है तो पॉइंट एकदम बढ़ते भी हैं घटते भी हैं, तो 10,000 प्लस प्रॉफिट मैं इसमें बुक कर पाया हूँ। और पहला कैंडल देख सकते हो रेड ही बना है, तो अगर इसको मैं ज़्यादा और होल्ड करके रखता तो मतलब लॉस ही बुक करना पड़ता। तो ठीक है कि मैंने 23,000 प्रॉफिट नहीं बुक करा तो 10,000 भी किया, तो प्रॉफिट तो कर लिया है बुक। तो अभी पहला ट्रेड हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएगा तो वहाँ पर एक बुलिश ट्रेड बनेगा ज़रूर। तो मैंने तो वैसे मार्केट ओपन होते ही बुलिश ट्रेड ले लिया था, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, सिर्फ 10,000 प्रॉफिट मैं बुक कर पाया था। और अभी फिर से मैंने उसी स्ट्राइक प्राइस में एक और स्कैल्पिंग ट्रेड मारा, जिसमें मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ गया है। हाँ, अगर मैं उसको थोड़ा भी अगर होल्ड करता तो आज बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनता, पर स्कैल्पिंग में डेली एक ही जैसा काम करना होता है, होल्ड पोल्ड का कोई चक्कर नहीं होता है, जितनी जल्दी प्रॉफिट मिले बस निकल जाना चाहिए। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो ये देख सकते हो टोटल प्रॉफिट अभी अपना इतना हो चुका है 23,735 रुपये। और मेरा ग्रो में भी अभी ट्रेड चल रहा है जो कि बुलिश ट्रेड है, कॉल साइड मैंने ट्रेड लिया हुआ है। तो अभी 11:15 बज रहे हैं और जैसा आज सुबह मेरा व्यू था कि बुलिश ट्रेड मुझे लेना है, तो उस हिसाब से मार्केट बुलिश ही गया, पर मैंने इतना नहीं सोचा था जितना मार्केट आज बुलिश हो गया था। अगर ट्रेड को होल्ड करके रखता तो मतलब बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे प्रॉफिट बन जाता। तो यहाँ पर देख सकते हो मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक बुलिश मोमेंटम दिया बहुत बढ़िया वाला। जिन्होंने ट्रेड को होल्ड किया होगा तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट उन्होंने सी साइड में बनाया होगा, पर मैंने उसके बाद कोई और ट्रेड नहीं लिया, मेरा वही 23,000 का प्रॉफिट है। सिर्फ इसलिए मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि जब मार्केट ऐसे चलते जाता है और हम ट्रेड को कट कर देते हैं तो उसके बाद फिर फोमो में आ जाते हैं, और फोमो की वजह से दोबारा ट्रेड लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें लॉस होने के चांसेस बन जाते हैं। तो इसलिए अभी बैठा हुआ मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ। और फिलहाल अपना ग्रो में जो प्रॉफिट हो चुका है वो 1614 रुपये का हो चुका है। 2 स्कैल्पिंग ट्रेड मेरे इसमें हो गए और 2 स्कैल्पिंग ट्रेड मेरे इसमें हो गए। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं बच्चों की रूटीन वैक्सीनेशन कराने, तो इसकी मम्मी यहाँ पर इसको लेटा के दूसरी वाले को लेने चले गए, तो मम्मी भी साथ जाएगी और मेरी वाइफ भी, दोनों को लेके। और इनको आज सुई लगेगी, थोड़ा सा वो वैक्सीनेशन के बाद बुखार भी आता है, तो ये चीज़ बच्चों का देखा नहीं जाता पर कराना ज़रूरी होता है। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 12 बज रहे हैं, देखते हैं आके मार्केट में क्या मिलता है। और दूसरे वाला बच्चा भी हमारा आ गया है और ये ईशान बैठ के यहाँ पर शोर मचा रहा है। ये मेरे दोनों ट्विंस बेबी है। तो दोस्तों, लगभग आधा घंटा हो गया है हमें यहाँ पर वेट करते हुए और वो लोग अंदर बैठे हुए हैं वहाँ पे।
इंतज़ार कर रहे हैं कब तक नंबर आता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो देखते हैं कब तक नंबर आता है। फ़िलहाल तो मैं बच्चों के पास नहीं हूँ, वहाँ पर बच्चों की दादी है और उनकी मम्मी है, और मुझसे देखा नहीं जाता जब बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं वो, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा रोते हैं। और ये वैक्सीनेशन जो लगेगी, शायद इसमें बच्चों को बुखार भी आएगा, और जहाँ पर लगाया जाता है तो वहाँ पर सूजन भी आ जाती है, तो उससे बोलते हैं कि बर्फ़ की सिकाई करनी होती है, तो कम से कम एक दो दिन लगेगा बच्चों को बिल्कुल नॉर्मल होने में, तब तक वो थोड़ा सा परेशान करेंगे जब तक उनको वो वैक्सीनेशन का असर रहेगा। तो एक बच्ची तो हमारी आ गई है वैक्सीनेशन होके, अभी अभी चुप हुई है, काफ़ी तेज रोई थी वहाँ पे। बेटे बहुत दर्द हुआ है, अपने दादी के पास बैठी है रो रही। नहीं 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 बेटा नहीं, नहीं। तो दोस्तों अभी एक बज चुका है और फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं अपने, और चलिए अभी ऑफिस में चल के देखते हैं मार्केट के क्या हाल है, और जहां पर हम छोड़ के गए थे वहां से कुछ हुआ भी है या नहीं। दोस्तों यहां पर मार्केट 2 घंटे से एक ही रेंज में फंसा हुआ है, सुबह ही जो मोमेंटम दिया बस दिया, उसके बाद यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं और निफ्टी नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, तो डबल टॉप यहाँ पे बना के आया है, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है। तो जब तक डाउनसाइड का प्राइस एक्शन नहीं बनाता है तब तक मार्केट को बेरिश समझना गलत होगा। तो अभी 2 घंटे से मार्केट में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, यहाँ पे होल्ट ले रहा है मार्केट, और देखते हैं अभी मार्केट यहाँ पर होल्ट लेने के बाद नया हाई बना के आएगा या फिर ऐसे ही टाइम पास करके और फिर बेरिश हो जाएगा, तो वो देखते हैं क्या होता है। अभी 2 घंटे से तो कुछ नहीं हुआ मार्केट में, और यहाँ पर ट्रेड भी करते अगर इस वाले जोन में तो नुकसान ही होता है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 3:20, और आज का जो मेरा 3 ट्रेड का जो करने का डेली का रहता है, आज मैंने अपना तीसरा ट्रेड नहीं लिया, और 3 PM पे मेरा ट्रेड करने का मन था, लेकिन 3 PM पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि 3 PM से पहले ही एक अच्छा डाउनफॉल देखने मिला जहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं लिया। उस टाइम मैं अपने लाइव स्ट्रीमिंग में था तो वहाँ पर मैं ट्रेड नहीं ले पाया, बस मैं यही सोच रहा था कि 3 PM पे मैं ट्रेड लूँगा, लेकिन 3 PM से पहले अगर एक बड़ा मूव हो जाता है तो 3 PM पे साइडवेज हो जाता है, तो ऐसा ही कुछ आज हुआ, और सही हुआ कि मैंने अपना तीसरा ट्रेड नहीं लिया। और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देख सकते हो वही जो सुबह मेरा ट्रेड था वही यहाँ पर है, और मैंने अपना सेटअप वगैरह सब कुछ बंद कर दिया है, लाइव स्ट्रीमिंग भी बंद हो गई है, तो आज का प्रॉफिट हमने 23,735 पे क्लोज किया है। तो गाइज आज का दिन था बहुत ही बढ़िया पैसा बनाने वाला, लेकिन काफ़ी दिनों से मार्केट ने बहुत ज़्यादा डरा के रखा हुआ था, अजीब टाइप का मूव दे रहा था, कभी वॉलीटाइल कभी साइडवेज, जिसकी वजह से आज उतना ज़्यादा पैसा नहीं बनाया, पर जो भी बनाया है आप लोगों ने देख ही लिया है। और अभी शाम के टाइम थोड़ा सा मैं अपने बेटे के साथ आया हूँ बाहर घूमने के लिए। ईशान कहाँ जा रहे हो बेटा, हैं कहाँ जा रहे हो बताओ जल्दी, हैं कहाँ चीज़ लेने तो आ गया ये दुकान पे, और इसको लेनी है कुछ चीज़ यहाँ पे खाने के लिए, तो बस यहीं आता है घर से ये। क्या क्या है ये, क्या है, लॉन्गिंग नहीं है लॉलीपॉप है ये। तो दोस्तों मैं तो अपने बच्चे को लेकर आया था दुकान पर कुछ खाने का दिलाने, और यहाँ पर मोहल्ले में काफ़ी ढोल वगैरह बज रहे हैं, क्योंकि एक दो दिन में अभी मुहर्रम आने वाले हैं, तो उसी की प्रैक्टिस चल रही है, यहाँ पर सभी लोग अखाड़ा खेल रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, तो अभी देखते हैं यहाँ पर कैसा अखाड़ा खेला जाता है। ईशान बेटे उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, गिर जाओगे, चलो आ जाओ, चलो नीचे, चलो 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 चलो। तो यहाँ पर इन सब को देख के मुझे भी थोड़ी सी खुजली उठी, वैसे मैंने कभी ज़िंदगी में पहले ऐसे कोई काम नहीं किए, तो सभी ये ऐसे घुमा रहे थे इस मुंगरी को, मुंगरी बोलते हैं इसे, और इसका 15 से 20 किलो वज़न होता है इसके अंदर, तो मैंने भी इसको 3-4 बार उठा के घुमा दिया, जो कि मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया इसके साथ, और मैंने भी मस्ती में इसको उठा के घुमा दिया। तो गाइस कुछ देर वहाँ पर अखाड़ा खेलने के बाद मैं तो आ गया हूँ वहाँ से, क्योंकि मेरे हाथ में होने लगा है दर्द, कभी मैंने ऐसे कभी ये चीज़ें करी नहीं है, तो आज पहली बार की है,
तो उसी में ही हाथ में दर्द होने लगा। पर आपको कैसा लगा मेरा ये अखाड़े वाला सीन कमेंट करके बताना। तो ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं कल ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।